रोशन जी का, और ये जानना चाहते हैं एग्रोटेक फूड लिमिटेड के बारे में। ज़्यादा लिखा नहीं है इन्होंने कि वो किस नज़रिए से जानना चाहते हैं, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट ले रखा है, लेना चाहते हैं, थोड़ा और बताते तो अच्छा रहता। लेकिन फिलहाल अभी एग्रोटेक फूड, इस पर क्या राय बन रही है आपकी? सच बात तो ये है कि इस पर मेरा भी पेशेंस छूट रहा है, क्योंकि इनके नंबर्स आ नहीं रहे। ठीक है, इनका जो मिक्स अचीव होना था इन बिटवीन ऑयल बिजनेस, पाम ऑयल बिजनेस एंड एफएमसीजी बिजनेस, ये मिक्स जो मैनेजमेंट का टारगेट था वो ठीक चल रहा है, लेकिन स्केल नहीं है, स्केल अप नहीं हो पा रहा है। और आज से नहीं, काफ़ी समय से इसको देखा। मे बी एक चीज़ मुझे जो इसमें समझ में आती है कि जब तक नंबर्स नहीं आएंगे तब तक इसमें बहुत लार्ज प्राइस मूवमेंट जो उम्मीद कर रहे थे वो नहीं आएगा। अलोंग विथ क्या होगा कि अभी जो स्मॉल कैप की रैली चलेगी ना, इसमें थोड़ा इनको टेलविंड मिल जाएगा। उस टेलविंड में हो सकता है थोड़ा बहुत अपसाइड मिल जाए, लेकिन नंबर्स इनके ठीक नहीं आ रहे हैं, ये मुझे खुद भी एक्सेप्ट करना है। और इसलिए इस पर थोड़ा सा व्यू अभी ना रखें तो अच्छा है, नंबर्स आने दें। जस्ट इन केस किसी ने ट्रेड करने का मन है तो आपके पास है एक फाइनल 740 वाला स्टॉप लॉस, उसको लेके आप बाय डिप्स एक्युमुलेट कीजिए, लेकिन 1000 के आसपास आए तो इसको रीइवैल्यूएट कीजिए इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स एंड नंबर्स। अगर आता है, सचिन गोपाल जी कहते हैं कि नहीं टर्न अराउंड कर देंगे यहाँ से, कर तो कह तो रहे हैं लेकिन हो तो नहीं रहा है, बस नंबर्स पे ध्यान दीजिए जी। इसका प्राइस अर्निंग मल्टीपल अदानी साहब से भी ज्यादा है, ऐसा क्यों? होप पे चल रहा है, सीधी सी बात, क्योंकि आप इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर का कॉन्फ्रेंस कॉल सुनेंगे तो आप भी जाके सीधा स्टॉक खरीद लेंगे। एक्चुअली था प्लान बहुत अच्छा था, पता नहीं अब इस कोविड के बाद ये हिट हो रहा है, कि प्रोडक्ट्स तो नो डाउट बहुत ही अच्छे हैं, अब एक्टिव पॉपकॉर्न और ये सब जो प्रोडक्ट्स इनके सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन चल नहीं पा रहा है फॉर सम रीजन, वो स्केल अप नहीं हो पा रहा। लेकिन इनके नेट प्रॉफिट के आंकड़े देखिए, इसमें अजीब कहानी है, कभी ये 5.25 करोड़ से 7.25 करोड़, वहाँ से घट के 6.5 करोड़, एकदम से घट के 22 लाख, उसके बाद 3 करोड़, उसके बाद फिर वापस 7.25 करोड़, उसके बाद फिर वापस 5 करोड़, ये उठापटक क्यों चल रही है इनके मुनाफे में? नहीं, वो रीडिंग फिर आपको इन्फ्लेशन वाला एडजस्टमेंट करना है, आप इसके पहले इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेवल पे समझ जाइए, चले जाइए, और फिर आपको मटेरियल कॉस्ट समझ में आ जाएगा, मतलब इनपुट कॉस्ट, जिसके कारण से वहाँ पे इनका मार्जिन इंपैक्ट हुआ, वहाँ पे इनके प्रॉफिट्स इंपैक्ट हुए, लेकिन अब वो इंपैक्ट ठीक हो जाना चाहिए। अब वो इंपैक्ट रहने का तो मुझे मतलब समझ में नहीं आता है, वो इंपैक्ट अब ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर जब तक इसका नेट प्रॉफिट फिर से डबल डिजिट में नहीं आता है तब तक तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा उम्मीद और एक्साइटमेंट एज सच नहीं आएगा इसमें। लेकिन सेल्स ग्रोथ भी तो देखनी चाहिए ना कम से कम, अगर सेल्स ग्रोथ भी दिखती तो फिर आप कहते कि मार्जिन बाद में मैनेज हो जाएगा, यहाँ तो सेल्स ग्रोथ ही एकदम से अटकी हुई पड़ी है, नहीं हो पा रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि बिजनेस स्केल अप नहीं कर पा रहे हैं, जो ये टारगेट्स लेके चल रहे हैं वो बिजनेस स्केल अप नहीं हो पा रहा है, यही मेरा खुद का भी डिसअपॉइंटमेंट। तो इसमें फिर करना क्या चाहिए इनको? जो सवाल है कि अच्छा, इन्होंने कुछ बताया नहीं, खरीद रखा है नहीं रखा है, तो अभी इंतज़ार करना चाहिए कि इनके कुछ नंबर्स अच्छे दिखने शुरू हो जाएं, उसके बाद ही इसके बारे में वापस ध्यान दें? एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए तो अगर नंबर्स अच्छे नहीं आते हैं और स्मॉल कैप से टेलविंड मिलता है तो 4 डिजिट्स के आसपास मुझे लगता है निकल जाना चाहिए, और 740 के नीचे थोड़ा सा और ठीक नहीं रहेगा, वो भी देखने की बात है। लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है उसकी बहुत क्लैरिटी नहीं है, अब तो रिजल्ट फिर से बहुत जल्दी ही आ जाएगा, जून में आ ही गए हैं, अब अगस्त में इनका फिर से रिजल्ट कब आएगा, जून में आ गए हैं, जुलाई से शुरू हो जाएगा, तो अगस्त में इनका रिजल्ट फिर से आ जाएगा, तो उस समय समझ में आ जाएगा। मे बी इन दी होप और स्मॉल कैप के रन में इसको थोड़ा टेलविंड मिल जाएगा, लेकिन 1000 के ऊपर की वैल्यूएशन में जब तक रिजल्ट से ट्रिगर नहीं मिलेगा मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रहेगी, धीरे धीरे बहुत समय से ये होप पे चल रहा है। अच्छा, अगर किसी को होप ट्रेड लेना ही हो तो क्या उसके लिए ये बहुत आइडियल जगह नहीं है कि आप अभी कहाँ पर हैं? 784 पर हैं, 740 का स्टॉप लॉस लगाएं और लेकर के छोड़ दें? वही तो बोला मैंने,
740 का स्टॉप लॉस लीजिए और रख लीजिए, 1000 तक गया गया तो अच्छी बात जी। लेकिन उसमें ये रिस्क रहेगा कि पता नहीं कितना पकाए, मतलब अगर सेल्स ग्रोथ नहीं आ रही है, स्केल अप नहीं कर पा रहे, तो ये भी हो सकता है कि एक रेंज के अंदर मतलब बहुत समय तक घिसटते रहें, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, पता नहीं कितना रहेगा। नहीं तो पीबीआर चलवाइए, पॉपकॉर्न खिलाइए और फिर देखिए कुछ हो जाए तो। जी चलिए देख लीजिए, ये एक सीधा सीधा कैवेट है आपके सामने कि कंपनी अपने बिजनेस में बहुत ऐसा कुछ चमकदार प्रदर्शन नहीं कर पा रही है जिसके दम पे आशा करें कि एकदम से आप खरीदें और भाव एकदम से भागने लगे। अभी वैसा नहीं दिख रहा, लेकिन चूंकि बाजार में इसको लेकर के अच्छी आशाएं पहले से बनी हुई हैं, तो जब भी परफॉर्मेंस दिखने लगेगा कंपनी के कामकाज में, तो फिर शेयर प्राइस पे उसका असर बड़ी जल्दी फिर आएगा, ये भी सही है। और एक कहीं पर बेस तो बनता हुआ दिख ही रहा है, तो उसके आसपास अगर आप खरीद करके रिस्क मैनेज करें तो ये एक रणनीति हो सकती है। लेकिन ध्यान वही रखना है कि अभी इनका स्केल अप कब हो पाएगा ये तो कंपनी का मैनेजमेंट ही बताएगा। मैनेजमेंट जो बोलता है वो उत्साहजनक रहता है, लेकिन वो फिर आगे परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, अब करना क्या है वो तो आपको खुद ही तय करना है। रोशन जी,